नमस्कार दोस्तों, हम भारत की राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं और मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं भारत की राजव्यवस्था के एक नए अध्याय के साथ। और आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उनकी कार्य एवं शक्तियाँ किस प्रकार की होती हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और उनका क्या महत्व है, उनके हमारे संविधान के अंतर्गत क्या भूमिका होती है, हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ओके, ये आप देख लीजिए, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति कौन है, श्री वेंकैया नायडू वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और ये कुछ पुराने हमारे जो भूतकाल के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे, ये के आर नारायणन सर हैं, और डॉक्टर ये हमारे भैरव सिंह जी शेखावत हैं और हामिद अंसारी सर हैं। ये तो ये हमारे कुछ वर्तमान के, ये हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, और ये हमारे भूतकाल के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हमने एक दृष्टि डाल दी और अब हम देखेंगे परिचय। तो हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से लगा के अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सारी शक्तियों के बारे में, पद के बारे में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 63 से लगा के 71 तक आप अनुच्छेद याद रख लें। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद देश के अंतर्गत सर्वोच्च पद होता है, दूसरा सर्वोच्च पद होता है। जो पहला सर्वोच्च पद आपको पता है राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे, और उसके बाद में दूसरा सर्वोच्च पद अगर दूसरा नंबर आता है किसी का तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति का पद है भारत के अंतर्गत अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर लिया गया है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का जो पद होता था उसकी तर्ज पर हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत इस पद को ग्रहण किया गया है। और इनका मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना, इनका यह सबसे मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। ओके, और इनका जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है और गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है। जैसा कि हमने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में, हम इस प्रक्रिया को हम पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार से इनका चुनाव होता है। ओके, अब निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य थे, अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लें, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ पढ़ना या देखना ही नहीं। ओके, रिटेन जब तक नहीं रहेगा दिमाग में तब तक कोई मतलब नहीं है किसी चीज को पढ़ने में। अगर आपने पढ़ा है तो उसको बार बार रिवाइज करते रहें, जितनी बार रिवाइज करेंगे तभी दिमाग में परमानेंट होगी। ओके, तो संसद जो हमारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं हम देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात है, यहाँ पर संसद की दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में हमने क्या क्या पढ़ा था, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के अर्थात दोनों सदनों के। ठीक है, और विधान जो हमारी सभा है, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे यहाँ पर, है ना, मनोनीत सदस्य यहाँ पर भी भाग नहीं लेते हैं। और कौन कौन से, दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत सिर्फ संसद के सदस्य ही भाग लेंगे, वो भी निर्वाचित मनोनीत दोनों भाग ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, विधानसभा या विधानमंडल, विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। याद रखना सिर्फ निर्वाचन, अगर राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है यहाँ पर तो संसद के सदस्य ही भाग लेंगे, दोनों निर्वाचित एवं मनोनीत। और जो चुनाव के विवादों का निपटारा, अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय चुनाव के विवादों का निपटारा करते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है, है ना। और उसके बाद हम इनकी अर्हताएं देख लेते हैं, अगर उपराष्ट्रपति पद पर हमें चुनना है, उपराष्ट्रपति के पद पर जाना है तो उनके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं। उन्हें वही योग्यताएं हैं जो हमारे राष्ट्रपति के लिए थी, कुछ योग्यता वो हैं, है ना, एक योग्यता में अंतर है, एक दो योग्यताएं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, उनके लिए भी यही थी राष्ट्रपति के अंतर्गत कि जब उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है तो उन्हें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, जिम्मेदार हैं, इसलिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना बहुत जरूरी है। और वहां पर हमने देखा कि लोग उपराष्ट्रपति के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के बारे में वह लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात है तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी होनी चाहिए इनके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आप जरूर याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में यही कन्फ्यूजन वाली स्थिति पर क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों उपराष्ट्रपति, लेकिन होने वाले उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा के सदस्य ना हो, समझ रहे हैं आप, राज्यसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, आपको पता है लाभ के पद पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और अगर वो किसी सदन के सदस्य हैं, चाहे
संसद के सदन हो, लोकसभा, राज्यसभा के या विधान परिषद, विधानमंडल के अगर सदस्य हैं और वो उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, तो जिस स्थिति से वो चुन लिए जाते हैं उस स्थिति से उस सदन में उनकी सीट रिक्त हो जाती है और वे उपराष्ट्रपति पद धारण कर लेते हैं। ओके, तो ये अर्हताएं थी उनकी, और फिर भी इनके अंतर्गत भी हमें 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की जरूरत होती है, प्लस 15,000 रुपए जमानत राशि की जरूरत होती है। आपको ध्यान है जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक थे, 15,000 ही जमानत राशि थी, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए अगर नामांकन दर्ज कराना है तो हमें 20 अनुमोदनकर्ता की जरूरत होगी, 20 प्रस्तावककर्ता की जरूरत होगी और 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। ओके, तो ये यहाँ पर उनकी अर्हताएं थी। शपथ कौन दिलाता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी व्यक्ति चुन लिया जाता है उनको शपथ दिलाते हैं, हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं तो उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर उनको त्यागपत्र देना है बाई चांस, तो त्यागपत्र अपना किसको देते हैं? अपना त्यागपत्र वे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ओके, अब उनकी देख लेते हैं पदावधि किस प्रकार होती है। जब से वो पद ग्रहण करते हैं वहां से लेकर 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, जब से उन्होंने पद ग्रहण किया है उस डेट से लगा के अगले 5 वर्ष तक वो पद धारण करके रखेंगे, ठीक है। और इनको हटाने के लिए किसी भी महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है इनके लिए। जैसे कि हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट करते थे, महाभियोग का एक प्रोसेस होता था। अगर आपको याद नहीं है प्लीज देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये, है ना। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई महाभियोग का प्रयोग नहीं है। सिंपल क्या होगा, राज्यसभा के अंतर्गत संकल्प पारित कर लेंगे पूर्ण बहुमत द्वारा, है ना, और लोकसभा में इसकी सहमति आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर भी 14 दिन का उनको नोटिस देना होगा कि आपको हटाने का प्रस्ताव या आपको हटाने का संकल्प लाया जा रहा है, तो उनको 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा, तभी उनका प्रोसेस होगा। समझ रहे हैं आप, राष्ट्रपति के अंतर्गत भी ऐसा था, उपराष्ट्रपति के अंतर्गत भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर इम्पीचमेंट नहीं है। मैं बार बार जोर देकर यह बता रहा हूँ कि उनको क्या करना पड़ेगा, सिंपल राज्यसभा के अंतर्गत संकल्प पारित करेंगे पूर्ण बहुमत द्वारा, और लोकसभा की सहमति भी जरूरी है, लोकसभा की भी सहमति ले लेंगे और 14 दिन पहले उनको नोटिस देंगे, ठीक है। इस प्रकार उनको हटाया जा सकता है, संविधान में उन्हें हटाने की कोई आधार नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात है कि जब उपराष्ट्रपति अपना पद धारण कर लेते हैं, तो जब उनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उससे पहले ही उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, जिससे कि एक वैक्यूम क्रिएट ना हो और अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएं। लेकिन अगर कुछ भी बाई चांस अगर उनके चुनाव नहीं हो पाते हैं और 5 वर्ष उनको हो जाते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस चल रहा होता है, तो भी वो अपना पद धारण करे हुए रहते हैं, वो छोड़ते नहीं है अपना पद। अपना पद तभी छोड़ेंगे जब उनका उत्तराधिकारी अर्थात अगले जो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेंगे, तभी उपराष्ट्रपति का पद वो छोड़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब उनकी शक्तियां एवं कार्य देख लेते हैं। देखो, उनका मुख्य कार्य एक ही होता है, वो राज्यसभा के जो वो सभापति होते हैं, ठीक है, यही उनका मुख्य कार्य होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका सबसे मुख्य कार्य होता है। और अगर अगर हमारे राष्ट्रपति की राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, उनका निष्कासन या मृत्यु हो जाता है, इन कारणों से वो अनुपस्थित होते हैं, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 6 माह तक अधिकतम? क्योंकि 6 माह के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने होते हैं, ठीक है। तो अधिकतम 6 माह तक वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। और जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो उनको जो भी वेतन भत्ते मिलेंगे, राष्ट्रपति को जो मिलते हैं वही मिलेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और वर्तमान में जो हमारा जो प्रावधान है कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं वो संसद तय करती है ना। वर्तमान में कितना है, लगभग 2008 में उनको 40,000 रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है ना। और उनको वेतन इसलिए नहीं मिलता है कि वो उपराष्ट्रपति हैं, उनको वेतन इसलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, ठीक है। और उनको अन्य उपलब्धियां भी मिलती हैं, आवास मिलता है, सुसज्जित टेलीफोन सुविधाएं मिलती हैं और अन्य जो भी सुविधाएं होती हैं वो उनको प्रदान की जाती हैं, है ना। वो इसलिए प्रदान की जाती हैं क्योंकि वे राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, ठीक है। और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उपराष्ट्रपति होने के नाते वो इस प्रकार की उपलब्धियां ग्रहण करें। और इस प्रकार का जो पद है हमारा उपराष्ट्रपति का पद, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के समान है, जैसा कि मैं हमने सबसे पहले परिचय में डिस्कस किया। क्योंकि जो अमेरिका में जो सीनेट होती है वो उच्च सदन होता है ना, उनके सभापति होते हैं,
उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में हमने डिटेल से जाना कि उनके क्या कार्य होते हैं। उनका एक मुख्य कार्य होता है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ओके, उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से क्वेश्चन बनता है, चुनाव के ऊपर बन सकता है ना, ये हमने देखा कि चुनाव के ऊपर डिस्कशन वो क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ पर उनका इम्पीचमेंट पर भी क्वेश्चन बन सकता है ना। राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देते हैं। इस प्रकार की जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं आप उसको याद रख लें, है ना। जब आप रिवाइज करेंगे ना तो ये चीजें आपकी दिमाग में परमानेंट हो जाएगी, है ना। आप रिवाइज करते रहें तब तक, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।